कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल स्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल स्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कॉल सौरभ सबरवाल 6478648844, दैट 6478648844। और विजिट teamsabarwal.com। योर सर्च एंड्स हियर। रियल स्टेट का कोई सवाल, वन एंड ओनली पीके सबरवाल साहब, आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और हमारे साथ हैं हमारे अपने पीके सबरवाल साहब। सर जी वेलकम, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच रणवीर जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन से शुरुआत करते हैं, आज काफी क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारे लिसनर के मैसेज भी आए हुए हैं और पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कहते हैं जी हम प्यार से प्रोग्राम को सुनते हैं। और मैं आज भी बात कर रहा था किसी से और उनका फोन आया कि पीके साहब कितने बजे आ रहे हैं, मैंने कहा 1:30 बजे आ रहे हैं। वो कहने उन्होंने कहा कि मैं पिछले 17 सालों से सुन रहा हूँ रेगुलर आपको। क्रेडिट आपको जाता है, बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है रणबीर जी। हेमंत साहब है, जॉब करते हैं, कहते हैं मैं मोस्टली कॉल नहीं करता कभी और लोकल ट्रक चलाते हैं, बंदे बड़े सालों से सुनता हूँ, कहते बड़ा मजा आता है। तो मैं चलो मैं आ जाऊँ एयर, आपको एक्नॉलेज करूंगा और आपका थैंक्स भी करूंगा। तो और पीके साहब सबसे पहले बातचीत करते हैं हम इन्फ्लेशन की और अभी क्या फर्क पड़ेगा और कितना फर्क पड़ेगा इसी से मार्केट के ऊपर इन्फ्लेशन से। देखो जी, उम्मीद से ज्यादा इन्फ्लेशन नीचे आई है। इकोनॉमिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन 2.8 तक आएगी नीचे, लेकिन ये उससे भी ज्यादा 2.7% आ गई, विच इज ए वेरी वेरी आई थिंक एनकरेजिंग एक पॉइंट बन गया। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये इसके इन्फ्लेशन नीचे आने से, और ऊपर से एक तो ये इन्फ्लेशन थी और ऊपर से लेबर मार्केट कूल डाउन हो चुकी थी, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जो पूरा ब्रांड जो बात कर रहा हूँ, वेजेस कूलिंग ऑफ वेजेस, स्मॉल बिजनेस डेलिक्वेंसीज आई थी, ये सारी चीजों ने लाके खड़ा कर दिया कि अब कोई रोक नहीं सकता 24 जुलाई को इंटरेस्ट रेट नीचे आने के लिए। ये मैं 99 भी नहीं कह रहा, मैं 99.9 कह रहा हूँ कि अब इसको कोई रोक नहीं सकता। बल्कि यहाँ तक भी बड़े बड़े आधारों ने कह दिया है, बल्कि IMF ने भी कहा, और ये अपना उसने अपनी रिपोर्ट में बड़ा अच्छा एक दिया, वो भी वक्त हो गया आगे चल के बताएंगे, RBC वगैरह इन सबने कहा है कि अब तो ये लगता है कि ये 3 बार नहीं, इस बार इस साल 4 बार गिरेगी। यानी कि एक बार तो 5 जून को गिर चुकी है, 24 जुलाई को इंटरेस्ट नीचे आने की पूरी उम्मीद है, उसके बाद जो 3 और रह जाते हैं 4 सितंबर, 23 अक्टूबर और 11 दिसंबर, इन तीनों में 2 बार और कम होने की उम्मीद है। कुछ तो इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि हर बार होंगे, क्योंकि बात ये है, ये जो इसके बाद जो रिपोर्ट आई इन्फ्लेशन के बाद, जो इनकी एडवाइजरी आती, जो कहते हैं वो जो हम देखते हैं इंटरव्यूज वगैरह के अंदर, तो इन्होंने ये कहा कि मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट एक साइजेबल कंट्रीब्यूटर है ओवरऑल, जो कि 22.3% बढ़ गया जून 2023 से, उसने भी इन्फ्लेशन को बढ़ाया है। इंश्योरेंस जंप होगी 9.2%, उसने भी इंश्योरेंस को बढ़ाया, इन्फ्लेशन को बढ़ाया है। रेंट अक्रॉस द कंट्री अप हो गए 8.8%, उसने भी इन्फ्लेशन को बढ़ाया है। इसके बावजूद इन्फ्लेशन कम आई है, क्योंकि ये मानना था, जो कि मैंने पिछली बार भी कहा था, 25 बेसिस पॉइंट जब नीचे की इंटरेस्ट, तो उससे ये कॉस्ट भी तो सारी कम आई है। तो अब जो है रेस्टोरेंट्स का ये इसके अंदर बढ़ गया, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ फूड परचेज फ्रॉम रेस्टोरेंट ये बढ़ गया, इस वक्त टेलीफोन सर्विसेज, ट्रेवल अकोमोडेशन, फर्नीचर, डिजिटल कंप्यूटिंग इक्विपमेंट, ये सब अभी डिक्लाइन हुआ है, इससे जो है इन्फ्लेशन नीचे आई है। सबसे बड़ी बात है, जो बैंक अब है, बैंक ऑफ कैनेडा, वो अपने टारगेट रेंज जो है इनका 1-3%, उसके अंदर कंसेक्यूटिव 6 क्वार्टर से लगातार आ रहा है, लगातार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनको ये लग गया कि भाई, जैसे इनको डर था कि इंटरेस्ट रेट कम करने से रियल स्टेट में आग लग जाएगी, कि वो ना हो जाए कि दोबारा वही बुरा हाल हो, उन्होंने देख लिया 5 जून को इंटरेस्ट रेट कम करके कि रियल स्टेट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कम हुआ 1.4% प्राइस, और लिस्टिंग सी भरमार हो गई और बायर नहीं है। तो उन्होंने ये देखा कि जो डर रहे थे कि हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे और कहीं फिर से गलती से ये प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी अनअफोर्डेबल हो चुकी है कि दोबारा ना महंगी हो जाए, वो नहीं हुआ। तो अब वो उनके अंदर हौसला आ गया और ये अब इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो गए। आज ठीक है जी, जी। तो दूसरा बात ये करते हैं कि मैं देख रहा था कि एक मैसेज भी आया था, कहते कि ऐसे लग रहा है कि जैसे लिस्टिंग का बाढ़ आ गई हो, बहुत यकदम इतनी ज्यादा लिस्टिंग आ गई है। सर मतलब कि लिस्टिंग 12.3% सिर्फ GTA के अंदर बढ़ गई, सिर्फ GTA के अंदर 12.3%
सेम मंथ जो था उसमें 17,964 प्रॉपर्टीज हिट हुई है और ये और बायर नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, बायर नहीं है और लिस्टिंग्स हिट होने का मतलब यह है कि एक सिर से ऊपर एक बात निकल चुकी है और लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, घर को रख नहीं पा रहे, जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी मॉर्गेज नहीं दे पा रहे, रेंट उनको कम मिल रहे हैं, टेनेंट खुद परेशान है, उनका ऑलरेडी रेंट ज्यादा है वो ज्यादा दे नहीं पा रहे, यहाँ पर मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और खर्चे ज्यादा है, प्रॉपर्टीज की कीमतें ज्यादा है, हालात खराब है। देखो IMF ने भी ये कहा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी ये कहा है कि नाउ कनाडा हैज टू प्लान वेरी अग्रेसिवली फॉर द इन्वेंटरी। इन्वेंटरी जो है वो उनको लाने के लिए बड़ा सॉलिड काम करना पड़ेगा। एक तरह से उन्होंने सेलिब्रेट कह लो या एक तरह से उन्होंने वो दी है, बधाई भी दी है कनाडा को कि सॉफ्ट लैंडिंग जो उन्होंने की है, ये रिसेशन नहीं आने दिया और इन्फ्लेशन स्लोली नीचे आए, इसमें कामयाब रहे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है लेकिन इनकी समस्या दूर नहीं होगी अफोर्डेबिलिटी की जब तक ये हाउसिंग सप्लाई को नहीं बढ़ाते। और ये उन्होंने कहा है कि हाउसिंग सप्लाई को बढ़ाने से के साथ साथ इनको इमिग्रेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये IMF की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं सीधी पड़ी हुई कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो जो आ रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ से इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पास किराए में रहने के लिए भी जगह नहीं है। एक बात उन्होंने बड़ी जबरदस्त कही जो मैं पिछले 2 साल से कह रहा था कि ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वुड बी नीडी टू क्लोज द साइजेबल हाउसिंग गैप। ये तीनों लेवल जो गवर्नमेंट के हैं, फेडरल, प्रोविंशियल एंड म्यूनिसिपल, इनको तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा इकट्ठे, तब जाके कोई होता है ये शायद हो जाए कुछ सॉल्व, अदरवाइज तो ये होती नजर नहीं आ रही। हालांकि इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल 2% टारगेट अर्ली 2025 तक आने की उनको उम्मीद होगी है, यही हमारे बैंक ऑफ कनाडा का टारगेट था और यही बड़ा एनकरेजिंग एक चीज है जो हमारे सामने आ रही है। पीके साहब का नंबर आप नोट कर लो, कभी बातचीत करनी हो 6472994757 2947 4757। पीके साहब एक हमेशा मैंने मैसेज आंदा मोहन लाल जी का, कहते कि पूछा करो कि वी आर रियली रियली वरीड अबाउट द इकोनॉमी एंड अबाउट द रियल स्टेट, क्योंकि रियल स्टेट बहुत वड्डा प्ले रोल प्ले करती है कंट्री की इकोनॉमी नु। ते आपको क्या लगता है कि आपने पहले आप इतने सालों से यहाँ पे, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, तो ये कितना देर इफेक्ट रहेगा इसका? मेरे साथ ये पूरा हाल जिस सबसे अभी हुआ है ये पहली बार हुआ है, इतना बुरा हाल मेरे सामने। या दैट्स राइट, दैट्स राइट। हाँ, दूसरा इकोनॉमी जो है वो रिकवर होनी शुरू हो गई है, नॉट ओनली कनाडा की, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी रिकवर होनी शुरू हो गई है और कह रहे हैं कि बाय द ईयर एंड ऑफ 2025 वर्ल्ड वाइड ये सब ठीक हो जाएगा। इन्फ्लेशन जो नीचे हो आ रही है, सब सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज की इन्फ्लेशन नीचे आनी शुरू हो गई है और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आना शुरू हो गया है। तो ये फिनोमिना सिर्फ कनाडा के लिए नहीं, ऑल द वर्ल्ड है। लेकिन यस, मोहनलाल जी की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यस, हम रियल स्टेट के मामले में बहुत पीछे हैं। कितनी अजीब सी बात है, G7 कंट्री के अंदर हमारे कर्जे 100% ऑफ द GDP, बताओ जितनी GDP उतने कर्जे हैं। तो क्या रह गया, फ्री में बैठे हुए हम लोग, मतलब सारा के कर्जे में डूबे हुए, और ये हाईएस्ट है इन G7 के अंदर। और ऊपर से रियल स्टेट ने आग लगा दी, वैनकूवर और टोरंटो, यहाँ से जो लोग छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो रियल स्टेट मेरे हिसाब से कीमत इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़नी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, और यही टारगेट बैंक ऑफ कनाडा का है कि अगर इन्फ्लेशन है उस हिसाब से अगर बढ़ता है तो सारे खुश हैं, इन्वेस्टर भी खुश है उससे, जैसे कहते हैं बायर भी खुश है उससे, सेलर भी खुश है, लेंडर भी खुश है। अगर जैसे पहले हुआ करता था आज से 7-8 साल पहले, इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइसेस बढ़ा करते थे, हर आदमी कमा लेता था। एक जी अहमद साहब ने मैसेज ये किया है कि सुनने में यह है, इज इट राइट पीके साहब, कि अमेरिकन दे आर प्लानिंग फॉर 0% इंटरेस्ट, 0% डाउन पेमेंट? वो तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये भी खुशखबरी है हमारी, इंटरेस्ट रेट जो नीचे आने की उम्मीद हो रही है 24 जुलाई को, कि उनका भी इन्फ्लेशन नीचे आ गया। अच्छा, और वहाँ पर भी इन्फ्लेशन US में भी नीचे आ गया, और वहाँ पर भी पॉल साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया है उनकी बात, और हालांकि सीधे शब्दों में नहीं कहते लेकिन उनके बात से ये मतलब निकला कि सितंबर में वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट नीचे कम होने की उम्मीद होगी है। पर 0% डाउन पेमेंट का इतनी जल्दी वो स्टेप नहीं ले सकते मेरे हिसाब से, अगर इन्होंने सुना है तो, लेकिन मेरे को नहीं लगता, ये सोच हो सकती है पर मुझे नहीं लगता ये 0% डाउन पेमेंट करेंगे तो डिजास्टर होने की उम्मीद है, ये हो नहीं सकता अभी इतनी जल्दी। पर पहले कभी था साहब, आपने सुना बिल्कुल था जी, 0 था, 0% डाउन पेमेंट थी, और ये ज्यादा दूर भी नहीं थी सर, ये सिर्फ 15-20 साल पहले थी। अच्छा, उसके बाद 5% हो गया था, 0% डाउन पेमेंट भी था, क्योंकि बैलेंस्ड मार्केट थी ना, इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइस बढ़ता था, सब सेफ थे। अब मार्केट का समझ ही नहीं आ रही, आग लग जाती है बुरी तरह, कभी गिर जाती है। आज बैंक अगर 0% में दे दे किसी को 1 मिलियन के ऊपर लोन, पहले वो तो ले नहीं पाएगा क्योंकि उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो ले पाए। 1 मिलियन लोन लेने के लिए आपको लगभग 275,000 इनकम चाहिए घर की, पहले वो तो है ही नहीं। चलो मैं कहता हूँ अगर दे भी देता है और मिल भी जाती है, इनकम ज्यादा भी है, तो लेंडर को ये खतरा है कि मार्केट गिर गई तो माइनस में हो जाएगा घर, जैसे पहले अमेरिका में हुआ था
जब अमेरिका में अभी जो बुरा हाल हुआ 8-9 के बाद जब लोगों ने चाबियां फेंक फेंक के चले गए फोरक्लोजर के अंदर, यही तो हुआ था कि घर की कीमत 3 लाख या कर्जा देना 4 लाख, तो बैंक साहब मर गए थे। तो वो काम नहीं मुझे लगता दोबारा इतनी जल्दी करेंगे ये। या और उन्होंने दूसरा पार्ट भी दोबारा मैसेज किया, कहते हैं उनसे पूछो कि आप सजेस्ट करते हो कि हमें, किसने कहा था मुझे किसी एजेंट का फोन आया था कि आपको मैं US में इन्वेस्टमेंट करा देता हूँ, वो मच बेटर है, तो आपका क्या नजरिया कि इज इट गुड आइडिया? सिंपल सी बात है, मेरी आंखों के सामने जो कुछ है मैं तो वही करूंगा। सही बात, मैंने लोगों को करते हुए देखा है, हमने भी किया है। अल्टीमेटली हमें परेशानियां बहुत हुई, जब कोई टेनेंट भाग गया तो मैनेजमेंट ने कॉल किया आपको आना पड़ा, फ्लाइट पकड़ के भाग रहे हो, दिक्कत आ रही है। उसके बाद ये सारी समस्याएं दूर होने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या और खड़ी हो गई, जब यहाँ पर हमने जब कैपिटल गेन प्रॉफिट निकाला तो दोनों कंट्रियों के लिए हमके पास हमको डील करना पड़ा, US को भी डील करना पड़ा और कनाडा में भी डील करना पड़ा। बड़ी हेडेक हुई मेरे को, मैंने कान पकड़ ली कि मैं तो नहीं करूंगा। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने एक कटिंग भेजी उन्होंने मुझे अभी दोबारा कि ए नो डाउन पेमेंट मॉर्गेज अलाउज यू टू बाय ए होम विदाउट पुटिंग एनी मनी डाउन अपफ्रंट एट क्लोजिंग। द टू मेन टाइप्स ऑफ लोन्स दैट डोंट यूजुअली रिक्वायर ए डाउन पेमेंट आर VA लोन्स एंड USDA लोन्स। ये उन्होंने भेजा कटिंग। होगा जी, कोई किसी प्रोविजमेंट की कोई स्कीम होगी। हाँ, पर यदि ऐसा हो जाता है बाई चांस पीके साहब, तो उसका तो फिर असर यहाँ पर कैनेडियन मार्केट में पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा सर, इसके फाइन प्रिंट को पढ़ेंगे पहले। हाँ। ये अगर आप मुझे भेज दें, इसके फाइन प्रिंट को पढ़ेंगे, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, या ये बाई द सेलर प्रोवाइड किया जा रहा होगा कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट, कुछ ना कुछ होगा, ऐसे हो नहीं सकता। मैं इसको पढ़ लूंगा अगर मुझे भेज देंगे आप। हाँ ठीक है, ठीक है जी। और पीके साहब का नंबर 6472994757। और साथ साथ पीके साहब, जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, अभी ये बिल्डर्स का हमेशा आप कहते हो कि वो लाइन में खड़े हैं बड़े बड़े इंसेंटिव्स लेके, तो अभी क्या हालात हैं लेटेस्ट? हाँ अभी तक तो है जी। हाँ। अभी तक तो है, और ये बता दूं ये निकल जाएंगे बहुत जल्दी, 24 जुलाई को। इंटरेस्ट रेट कम होने दीजिए, ज्यादा दूर नहीं है, कहते ना दिल्ली दूर नहीं, वही बात है, 7 दिन रह गए सिर्फ, और ये देख लीजिए जाएंगे। अभी से ही इनकी टोन में फर्क आ गया बिल्डरों की, और आई भी क्यों ना, क्योंकि वो भी बड़े घाटे खा चुके हैं। 29 जो है अलग अलग बिल्डिंग अभी रिसेंटली बंद हुई है, फेल हुई है, कैंसिल हुई है, तो ऊपर से हाउसिंग स्टार्ट का उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है ही नहीं। हाउसिंग स्टार्ट इतने जबरदस्त कम हो गए, और हम कह रहे हैं कि घर ज्यादा बनाएंगे, और पता चल रहा है कि घर और कम बन रहे हैं। तो ये जो है मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है आगे, और ये जो बिल्डरों के जो इंसेंटिव्स हैं सारे, ये अभी भी आप ले सकते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट करिए। अभी हमारे पास फ्री ओल्ड टाउन होम्स बड़े बहुत शानदार ओकविल में आए हैं, जिसमें कि बिल्डर क्लेम कर रहा है कि रीसेल से सस्ते हैं, और क्लोजिंग 2-2.5 साल के बाद रीसेल से सस्ते हैं, आज तक हमने कभी नहीं सुना था ये, और सिर्फ 10% पेमेंट देनी है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, इसके लिए भी और भी हैं बहुत हमारे पास, तो आप इन सब्जी का फायदा उठाइए, और उसके साथ साथ लो इंटरेस्ट रेट का भी फायदा उठाइए, क्योंकि आज आपने बुक कर लिया 2-2.5 साल के बाद, और इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाते जाइए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है। अगर आप रीसेल में लेना चाहते हैं तो भी दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इस वक्त सेलर आपके पीछे है, ले लो और वेरिएबल लो, ताकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपका भी कम होता जाएगा, या 3 ईयर फिक्स इस वक्त सस्ता हुआ पड़ा, 5% से नीचे आ चुका है, वो भी ले सकते हैं आप। दैट्स राइट। और पीके साहब का नंबर 6472994757। और रीसेल की थोड़ा सा पीके साहब, मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में बता दें कि जो रीसेल हाउसेज में अभी फ्यूचर क्या कैसा है? हाँ, रीसेल के अंदर सेलर तो परेशान है जी, मैं सीधी सी बात कहूँ। हाँ। और जो जो सपने ले रहा है वो और भी परेशान होगा, जो सपने ले रहा है, मेरा मतलब सपने लेने का मतलब ये है कि अगर घर की कीमत 1 मिलियन है, नहीं मैं तो 1.1 में बेचूंगा। हाँ। फिर बेटर हो, बेच लेना आराम से। मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस, सेलर प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, बायर डिसाइड नहीं कर सकता प्राइस, ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। अगर आप वो सपने ले रहे हो कि जी नहीं मेरा तो इतने का बिकेगा, तो बस बैठो, जब बिकेगा तब बेच देना। अगर आप रियलिस्टिक हैं, मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, हम कहते हैं जंप द क्यू, तो आप आज भी हम एक एक हफ्ते के अंदर बेचते हैं। मैंने अभी अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते 2-4 घर बेचे हैं सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर अंदर घर बेचे हैं। और कुछ घर है जो अनरियलिस्टिक है, कहते हैं जी ये प्राइस होगा, हम कहते हैं जी आप फिर किसी और से डील कर लो, हम तो नहीं करेंगे। जो जो प्राइस मिलने वाले नहीं है, या तो आपको इंतजार है कोई सिरफरा आएगा और उसको ऊपर वाले ने मेरे लिए ही भेजा है कि मेरा घर वो महंगा लेके चला जाएगा, तो फिर वो सपना है, फिर आपका वो सपना ही रह जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी GG की कोंडो मार्केट के बारे में जो ट्रब ने भी टेस्ट दिए, 10,000 से ज्यादा ड्रॉप हुए सेल लास्ट मंथ, अगर हम मंथ टू मंथ कंपेयर करें लास्ट ईयर के साथ, 10,000 सेल कम हुई है ट्रब GTA मार्केट के अंदर, एंड और ये और प्राइस 1.4% कम हुआ, एवरेज लगभग 7,13,000 के आसपास रह गया। और लिस्टिंग पता है जो आप बता रहे थे कि सेलर की बाढ़ लगी है, 21% लिस्टिंग बढ़ गई है, 21% लिस्टिंग बढ़ गई है, और लेने वाला नहीं है, इसका फायदा उठाइए। इस हिसाब से जस्ट कंसर्न था कि बायर मार्केट तो फिर
सॉरी सेलर मार्केट तो कभी आ नहीं पाएगी आसपास में? मुझे तो नहीं लगता कि सेलर मार्केट अगले 8-10 महीने में, सेलर मार्केट नहीं आएगी। आपने ये बैलेंस तो हो सकती है मार्केट अगले 8-10 महीने के, लेकिन सेलर बैलेंस ही होनी चाहिए, पर सेलर मार्केट मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। जो जलवे लास्ट ईयर देखे लोगों ने 2 साल पहले, वो नहीं आएंगे जलवे नहीं आएंगे। तो सेलर मार्केट मेरे हिसाब से, रणबीर जी आप भी सहमत होंगे कि दोबारा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ही नहीं लोग ले पा रहे। और ये बैलेंस मार्केट आ जाएगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ये बैलेंस मार्केट होनी चाहिए और जिसे कहते हैं तभी ठीक है। और लिस्टिंग इतनी बढ़ गई, देख लीजिए सेल इतनी घट गई, तो थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी में फर्क पड़ा है। जो क्वार्टर परसेंट गिरा था वो भी थोड़ा सा मैंने कैलकुलेट किया, $1,250 अब कम इनकम चाहिए। $1,250 साल में क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नथिंग एल्स। अभी क्वार्टर एक और बढ़ेगा और तीसरे चांसेस शायद सितंबर में, आपने शायद बताया था तब भी चांसेस है। एक बार अभी 24 जुलाई को इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है, फिर मेरे को 4 सितंबर को फिर उम्मीद है, और उसके बाद 23 अक्टूबर और 11 दिसंबर में एक बार और उम्मीद है। भाई ये सारे हो जाए तो फिर मजा आ, फिर थोड़ा बेटर हो जाएगी। हाँ, फिर तो थोड़ा सांस मिलती है लोगों को ना, जो गलतियां हुई उसको थोड़ा उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा ना। ठीक है जी जी। 6072994757। हाँ जी, हाँ जी पीके सर। जी रणबीर जी, मैं जाते जाते बता दूं कि मुझे पता है इस वक्त अभी रिपोर्ट भी आई थी कि 40% ऑफ द रियल एस्टेट जो है एजेंट्स वो जॉब ये रियल एस्टेट का काम छोड़ रहे हैं, छोड़ चुके हैं, और उम्मीद ये डाटा आ चुका है इतने छोड़ के निकल जाएंगे, जो कहीं उन्हें छोड़ दिया कहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो गुल छोड़े का जो टाइम था ना, देखो जब मार्केट तेज होती है ना वहां पर कोई भी कुछ भी बेच लेता है। मार्केट बढ़ रही है ना तो लोगों ने सोचा अच्छी अच्छी कमाई नहीं है, आज लिस्ट किया शाम को बिक गया, आज लिया लाइन लगी हुई है बिल्डरों से लेके दे दिया, वो तो एक्सपर्टीज क्या काम हुई? कुछ भी नहीं। मजा तो तब है जब मार्केट गिरी हुई और बेच के दिखा दो। मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, विद प्राउड मैं कहता हूं, किसको इसके बारे में अगर तसल्ली करनी है तो बिल्कुल मेरे डाटा निकाल सकता है। लास्ट ईयर वॉज द वर्स्ट ईयर फॉर द रियल एस्टेट, राइट? बिल्कुल सही है। एंड दैट ईयर वॉज माई बेस्ट ईयर इन माई लाइफ। अच्छा, वाह क्या बात, बेस्ट ईयर इन माई लाइफ, वेरी नाइस। आप बताइए इस बात का क्या जवाब है? मतलब मेरा कहने का ये है कि ये इतने एजेंट से छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये तब आए थे बेचारे जब बिना कुछ के बिक जाता था सब कुछ। हाँ, उनको इजी लगता है। और अब जब कुछ करके बिकने वाला है तो तब कैसे होगा, मुझे बताइए। वेरी नाइस, ठीक है ना। अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था, मैं ब्लूमबर्ग में देख रहा था, वो कह रहे थे कि हाउ कैन यू कंपेयर कंपनसेशन फॉर द रियल्टर्स विद ह्यूज एक्सपीरियंस डिफरेंस। एक रियल्टर बैठा हुआ है 40 साल से, वेटरन है वो, एक रियल्टर बैठा हुआ है 20 साल से, एक रियल्टर बैठा हुआ है 10 साल से, और एक रियल्टर आया आज से 4 महीने पहले, और कमीशन सबके बराबर। सही बात है ना, कुछ तो फर्क होना चाहिए ना एक्सपर्टीज में, काम में। तो वो फर्क कमीशन में ना भी हो तो एटलीस्ट जैसे कहते हैं रिजल्ट में तो हाँ वो तो नजर आ गया कि अब वो जो आराम से काम होता था वो नहीं हो पा रहा, वो चलते चलते भाई ट्रकिंग में लगे हुए हैं या कोरियर में लगे हुए हैं या जॉब कर रहे हैं या कोरियर का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या जॉब ही अच्छी कंपनी में कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम रियल्टर बन गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक को हक है बनने का। लेकिन अगर वो सोच रहे कि तब आराम से बिक गया, बैठे बैठे एक दो के साथ आज भी बिकेगा, वो गलत फहमी है। आज तो काम है उसकी, आज तो एक्सपोर्ट की जरूरत है बेचने के लिए और खरीदने के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही, मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच जी रणबीर जी। और अभी भी अगर किसी को जरूरत है हमारी एक्सपर्टीज का फायदा लेने की और ट्रेनिंग का, तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज एंड रियल्टी एक्सपर्ट्स को। मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए और आपको कॉल बैक आ जाएगी 6472994757। थैंक यू सो मच पीके जी, और नेक्स्ट वीक फिर होगी मुलाकात आपसे, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।